गुड इवनिंग क्लास 9th. दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी टिश्यूज. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट सेल. पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 5 में, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 है एनसीईआरटी की बुक में, हमने उसमें सेल के बारे में पढ़ा था. ठीक है, जिसमें हमने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डीप स्टडी करी थी. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और भूला नहीं होगा, अभी भी याद होगा. ठीक है, देखिए अब उसके बाद हमको पढ़ना है चैप्टर 6, मतलब बायोलॉजी का चैप्टर 2, टिश्यूज़. देखिए टिशू का मतलब होता है, टिशू की हिंदी मीनिंग होती है ऊतक. ठीक है, टिशू होता क्या है जानते हैं? तो टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल ऑफ वन टाइप. ठीक है, सेल्स का ग्रुप होता है. ठीक है, सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं. लेकिन जो सेल्स होते हैं वो एक ही तरह के होने चाहिए. ठीक है, एक ही तरह के सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़ कहते हैं. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा. तो देखिए हमने ये पढ़ा था कि हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं. ठीक है, तो वो कोशिकाएं, एक तरह की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं. ठीक है, टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि टिश्यूज़ मे बी ऑफ टू टाइप्स, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़. अब देखिए प्लांट टिश्यू में आपको दो टिश्यूज़ होते हैं. ठीक है, प्लांट टिश्यू का जो डिवीज़न है वो दो टिश्यूज में हुआ है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में. ठीक है, जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है फिर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है एपिकल मेरिस्टेम में, लैटरल मेरिस्टेम में और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में. ठीक है, उसके बाद आपका परमानेंट टिश्यू है. परमानेंट टिश्यू में भी दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, फिर सिंपल परमानेंट में आपका 3 क्लासिफिकेशन हुआ है. क्या क्या हुआ है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, और फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आप पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोयम के बारे में. ठीक है, तो ये बात हो गई आपके प्लांट टिश्यूज़ की. मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन हुआ है मेरिस्टमैटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में. मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ का उनके टिश्यू के आधार पे, ठीक है, उन पे उनके जो उनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके आधार पे रीजन वेयर दे आर फाउंड, उसके बेसिस पर ये एपिकल होते हैं, लैटरल होते हैं और इंटरकैलरी होते हैं. ठीक है, उसके बाद परमानेंट में सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोयम. तो सबसे पहले हम जानते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ के बारे में. देखिए द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू. ठीक है, अब देखिए हमें ये पता है कि प्लांट जो होते हैं उनमें ग्रोथ होती है. ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं. हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं और कुछ दिनों के बाद जब उनको अपनी प्रॉपर नरिशमेंट मिलती है तो क्या होते हैं? पौधे बढ़ते हैं, है ना. तो ये किसकी वजह से होता है? मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ की वजह से होता है. ठीक है, डिपेंडिंग on the region where they are present, meristematic tissue are classified as apical, lateral and intercalary. देखिए इनके क्या उपस्थित होने के आधार पर, ठीक है, कि ये एक पौधे में कहाँ उपस्थित होते हैं उसके आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है, इनको वर्गीकृत किया गया है किसमें? एपिकल में, लैटरल में और इंटरकैलरी में. ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका फिगर बना हुआ है. ये एक प्लांट बॉडी का मेरिस्टमैटिक टिश्यू है. ठीक है, आपको दिख रहा है कि एपिकल कहाँ पे फाउंड हो रहा है, इंटरकैलरी और लैटरल कहाँ पे मेरिस्टम फाउंड हो रहा है. देखिए जो ये टिश्यू है उसके टिप पे, मतलब उसके एकदम ऊपरी सिरे पर कौन सा मेरिस्टम है? एपिकल मेरिस्टम है. बीच वाले हिस्से में इंटरकैलरी मेरिस्टम है और एकदम बॉटम वाले हिस्से पर क्या है? लैटरल मेरिस्टम है. ठीक है, देखिए एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट. देखिए एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो रूट और स्टेम के एकदम ऊपरी, एकदम टॉप पे, एकदम टिप पर, आप कह सकते हैं कि टिप पर प्रेजेंट होते हैं. और ये क्या करते हैं? ये हाइट बढ़ाते हैं. ठीक है, मतलब
लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो नोड के पास लोकेटेड होते हैं। नोड का मतलब ये जो आपको ये दिख रहा है ना कि ये एक टिश्यू है, यहाँ से एक रेशे निकले हैं, कुछ कुछ रेशे या कुछ रेशा यहाँ से निकला, इसको ही हम नोड बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरकैलरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नोड्स के पास प्रेजेंट होता है, ओके। उसके बाद देखते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, दे लैक वैक्यूल्स। देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनमें वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है, इनके पास बहुत घना साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और इनके पास जो इनकी वॉल्स होती हैं वो सेल्यूलोज की, मतलब थिन सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, अब देखिए हमने पढ़ा था कि सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं, ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, जब वो अपने डिवीजन की पावर को खो देते हैं, ठीक है, मतलब जब वो एक ऐसी स्टेज में आ जाते हैं जिसमें वो डिवीजन नहीं कर सकते, जिसमें वो डिवाइड नहीं हो सकते और वो परमानेंट हो जाते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है एक परमानेंट शेप, साइज और परमानेंट फंक्शन ले लेने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए दिया है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है एक स्टेम के सेक्शन का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बेनेथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब देखिए, एपिडर्मिस क्या होता है? प्लांट का जो एकदम ऊपर का लेयर होता है, हमारी बॉडी में जो स्किन होती है, ठीक है, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से प्लांट का जो ऊपरी लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे परमानेंट टिश्यूज़ आपके क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड किए गए, तीन काइंड्स में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम जानते हैं पैरेन्काइमा के बारे में, ठीक है। पैरेन्काइमा जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। सब मतलब तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं और इसके जो सेल्स होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब किसी फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। और ये लिविंग सेल होते हैं, ठीक है, ये लूजली अरेंज होते हैं। देखिए, जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा होगा, ठीक है। तो सॉलिड में क्या पढ़ा होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेंसली कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, ठीक है। लिक्विड में थोड़ी दूरी पे होते हैं और गैस में बहुत दूरी पे होते हैं। तो उसी तरह से ये जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लूजली अरेंज होते हैं, जैसे कि आपके लिक्विड में होते हैं, ठीक है। और इन सेल्स के बीच में सिंपल पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स के बीच में जगह काफ़ी होती है, इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी पाया जाता है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है पैरेन्काइमा का? पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है। क्या करता है? फूड स्टोर करता है। तो हमने पैरेन्काइमा के बारे में क्या क्या पढ़ा? पैरेन्काइमा के बारे में कम से कम आपको 3-4 पॉइंट्स तो आने ही चाहिए। तो आपने पढ़ा पैरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसके बाद आपने पढ़ा पैरेन्काइमा हैव थिन सेल वॉल्स। उसके बाद आपने पढ़ा पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल। उसके बाद आपने पढ़ा दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल आर फाउंड इन दिस टिश्यू। और लास्टली आपने पढ़ा फिफ्थ पॉइंट कि पैरेन्काइमा टिश्यूज जनरली स्टोर्स फूड, ठीक है। इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली। अब देखिए, पैरेन्काइमा में ही दो चीज़ें आपको पढ़नी है, एक है क्लोरेन्काइमा, ठीक है, और एक क्या है? एरेन्काइमा, ठीक है। तो देखिए, क्लोरेन्काइमा, हम पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कब कहते हैं? देखिए, जब पैरेन्काइमा क्लोरोफिल कंटेन करता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा जब क्लोरोफिल कंटेन करता है तो हम उसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। और जब पैरेन्काइमा, ठीक है,
कहाँ पे फाउंड होता है? जब पैरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं, जलीय पौधे, ठीक है। तो जब पैरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है तो हम उसको एरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। आई रिपीट, जब पैरेन्काइमा क्लोरोफिल कंटेन करेगा देन इट विल बी कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा, एंड व्हेन पैरेन्काइमा विल बी फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स इट विल बी नोन एज एरेन्काइमा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इनका काम क्या होता है हमने पढ़ लिया। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है कोलेनकाइमा के बारे में। देखिए, क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे आपने याद किया क्लोरोफिल कंटेन होगा तो क्लोरेनकाइमा, ठीक है। और अब जानते हैं कि कोलेनकाइमा क्या होता है। देखिए, प्लांट्स जो होती हैं उनकी बॉडी क्या होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? कोलेनकाइमा की वजह से। तो कभी भी अगर कोलेनकाइमा का फंक्शन पूछे तो आपको क्या बोलना है, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स, ठीक है। और पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है कि ये फूड स्टोर करता है। उसके बाद देखिए, पौधे के बहुत से भाग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, झुकते हैं, जो मुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? कोलेनकाइमा की वजह से होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, थोड़ा सा बुक में चलते हैं कि बुक में क्या दिया है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एलोंगेटेड एंड इररेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स, देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे पैरेन्काइमा में कि जो सेल्स होते हैं वो लूजली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, सॉलिड की तरह। ये भी क्या है? लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा पढ़ लिया, कोलेनकाइमा पढ़ लिया, ठीक है। अब हमको पढ़ना है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? प्लांट को एक हार्ड और स्टिफनेस देता है, हार्डनेस और स्टिफनेस देता है, ठीक है। मतलब प्लांट को कठोर, आपने बहुत से पौधे ऐसे देखे होंगे जिनका कुछ भाग क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होता है। जो आप नारियल जानते हो ना, नारियल, कोकोनट, उसके ऊपर का जो ब्राउन वाला हिस्सा होता है, जो हस्क वाला होता है, जो हार्ड होता है, वो किसकी वजह से होता है? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। देखिए, आपके लिए तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने दिया था, और तीसरा है कि फर्स्ट डेड सेल किस साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप जैसे ही वीडियो देखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको, ठीक है। हमने पढ़ लिया सिंपल परमानेंट टिश्यू तक, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने टिश्यू पढ़ा है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू पढ़ा है, उसके बाद एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम पढ़ा है, परमानेंट टिश्यू पढ़ा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा है, और उसके अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा है। पैरेन्काइमा में हमने क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब कल की हमारी जो क्लास आएगी वो होगी किस पे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे होगी, और उसमें हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, और उसी के साथ हम फिर एनिमल टिश्यू पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे।